हाय दोस्तों, E4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक में अपने पासवर्ड को चेंज कैसे करेंगे। दोस्तों अगर आपको बदलना है फेसबुक एप्लीकेशन में पासवर्ड, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आपको अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। दोस्तों हमने यहाँ पे अपना फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन किया, अब मैं आपको बताता हूँ। उस पर आप देखेंगे फेसबुक एप्लीकेशन में 3 लाइन ये वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग एंड प्राइवेसी। ओके, ये वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ है सेटिंग्स। सेटिंग वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। ओके, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाला ऑप्शन में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, लेकिन आपको ओके वाला ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ये देखिए। तो अब आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ये वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है चेंज पासवर्ड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका नेम यहाँ पे आ जाएगा और फेसबुक एप्लीकेशन रहेगा, तो फेसबुक एप्लीकेशन यहाँ पे हम ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका करंट पासवर्ड क्या है, यानी कि अभी का पासवर्ड, इसके बाद न्यू पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। जो हमारा अभी का करंट पासवर्ड है वो यहाँ पे ऊपर में डालेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे डालते हैं। और उसके बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका पुराना वाला पासवर्ड सही रहेगा तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। आपने जो नंबर दिया है उस पर कोड आएगा और उस कोड को यहाँ पे आपको डालना है। तो चलिए हम वेट करते हैं, हमारे फ़ोन पे कोड आएगा। तो यहाँ पे चेक योर व्हाट्सएप मैसेज, यानी कि व्हाट्सएप में मैसेज आएगा और उसमें आप देखेंगे तो कोड आएगा आपको, उस कोड को यहाँ पे आपको डालना है, उसके बाद ही आपको कंटिन्यू करना है। तो अब आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन बनाए हैं तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप एप्लीकेशन में जाएंगे और वहाँ से कोड रिसीव करेंगे, वहाँ से कोड ले लीजिएगा। कोड डालने के बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो पासवर्ड है फेसबुक एप्लीकेशन का दोस्तों वो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।